हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तब जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों लोग। तुम लोग भी अभी 18 साल के हो गए तो पैन कार्ड बना लो। तो पैन कार्ड के ऊपर ही आंसर है, पैन और टेन। तो पैन कार्ड क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जिससे तुमको मालूम पड़ता है कि तुम्हारा बैंक अकाउंट, तुम लोग लीगल पर्सन, तुम्हारा रेसिडेंट, तुमको टैक्स देना है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ शॉर्ट में बताता हूँ। तो अगर तुमको पैन कार्ड खोलना है तो ज़रूरी है 18 साल के ऊपर बैंक अकाउंट खोलने के लिए, तो आधार कार्ड देना पड़ेगा, इलेक्टर फोटो कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट है ना, राशन कार्ड, अगर बंदूक है तो उसका लाइसेंस, तो ये सब डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है। ये डॉक्यूमेंट से भी तुम्हारा बैंक पैन कार्ड खुलेगा, पैन से बैंक अकाउंट खुलेगा। तो सवाल है कि हु हैज़ टू ऑब्टेन परमानेंट अकाउंट, मतलब पैन अकाउंट किसको ओपन करना पड़ता है। अ पर्सन कैरिंग एनी बिजनेस, कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, कोई प्रोफेशन है या कोई सेल्स, कोई माल बेच रहा है, ओके, और जिसका टर्नओवर 5 लाख से ज़्यादा है, मतलब 5 लाख से ज़्यादा पैसा कमा रहा है, तो उसके पास पैन कार्ड अकाउंट होना ज़रूरी है। और पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम, जिसको रिटर्न फाइल करना पड़ता है गवर्नमेंट को, उसको भी पैन कार्ड अकाउंट नंबर ज़रूरी है। पर्सन इज एन एम्प्लॉयर, जो काम कर रहा है, जो एम्प्लॉई है, जो सैलरी कमा रहा है, तो फाइल रिटर्न, उसको पीएफ चाहिए, पीएफ कमाना है तो भी उसको फ्रिंज बेनिफिट लेना है, तो इसके लिए फाइल रिटर्न करने के लिए पैन कार्ड ज़रूरी है। पर्सन इज रेसिडेंट, रेसिडेंट का मतलब होता है जो इंडिया वाला है, जो इधर ही कमाता है, इधर ही रहता है, तो उसकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो उसको भी पैन कार्ड अकाउंट ज़रूरी है। जो डायरेक्टर है, जो पार्टनर है, जो ट्रस्टी है, जो फाउंडर है, जो करता है, जो ऑफिसर है, तो उसको भी ये सब ज़रूरी है। पर्सन हु एंटर्ड टू इंटर सच ट्रांजेक्शन, जो भी लेन देन कर रहा है, रेवेन्यू कमा रहा है, तो ये सब के लिए पैन कार्ड अकाउंट ज़रूरी है, ओके। तो पैन अकाउंट एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। अब इधर क्या बोला सेक्शन 272B में, इफ़ अ पर्सन फेल टू कम्प्लाई विद प्रीवियस सेक्शन, अगर इधर वो फेल हो गया, नहीं पैन अकाउंट बनाता है, तो जो भी ऑफिसर है गवर्नमेंट का, वो उसके पास जाएगा, उसको पकड़ेगा और उसको बोलेगा पेनल्टी बल, फाइन बन, 10,000 का जुर्माना देना पड़ेगा, ओके, कमा रहा पैन अकाउंट नहीं है, ओके। तो ये भी कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, सिंपल। अब ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, परचेज, सेल, डेबिट, क्रेडिट, कैश पेमेंट, तो ये सब ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो मतलब पैन अकाउंट चाहिए। बैंकिंग हो गया, क्रेडिट डेबिट कार्ड हो गया, कैश पेमेंट हो गया, होटल रेस्टोरेंट है ना, ये सब के लिए क्या है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, ये सब ट्रांजेक्शन में पैन अकाउंट, बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, ओके। और जो पैन अकाउंट में है ना, जो उसका फर्स्ट 3 कैरेक्टर रहता है ना, AA to ZZZ, ए मतलब पर्सन, बी बोलो तो इंडिविजुअल, सी बोलो तो कंपनी, एफ बोलो तो फर्म, जी बोलो तो गवर्नमेंट एजेंसी, तो अब इंडिविजुअल का क्या है। और पैन अकाउंट में कितने नंबर रहते हैं, 10 डिजिट अल्फान्यूमेरिक नंबर रहते हैं, 10 नंबर रहते हैं, कितने नंबर रहते हैं, 10। अब इधर क्या बोला है कि होल्डिंग मोर देन वन पैन, अगर अ पर्सन कैन होल्ड ओनली वन, एक ही बंदा पैन कार्ड बना सकता है, 10-20 नहीं बना सकता है। और होल्डिंग मोर देन वन पैन इज नॉट अलाउड, एक से ज़्यादा पैन अकाउंट होल्डिंग करना गलत है। इफ़ ए पर्सन होल्ड मोर देन वन पैन, ही इज पेनल्टी इम्पोज, इस पर फाइन लगेगा, केस होएगा। इन ए केस पर्सन हैज बीन अलॉटेड मोर देन वन पैन, ही शुड इमीडिएटली सरेंडर, अगर उसको दो एक से ज़्यादा पैन कार्ड मिला तो उसको सरेंडर कर देना चाहिए, राइट। और जो भी तुम्हारा पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है, जो भी पैन कार्ड है आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है। फॉर एग्जिस्टिंग पैन होल्डर इट इज़ मैंडेटरी टू लिंक पैन कार्ड विद अदर, है ना। और फिर एग्जाम में क्या करना, पैन कार्ड का ना तुम लोग फोटो भी बना देना, पैन कार्ड कैसे रहता है, तुम्हारे बैग में तो पैन कार्ड रहेगा, उसका फॉर्मेट बना देने का, ये पैन कार्ड का आगे का, ये पीछे का है, उसका जेरोक्स लेके चिपका दो। ये तुम्हारा टॉपिक कवर हो गया पैन, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में तुमको टैन बता दूंगा। तो पैन कार्ड कौन इश्यू करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इश्यू करता है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी पर्सन टू अप्लाई फॉर पैन, कंपलसरी नहीं है, बट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट टू पैन, तो ये सब जरूरी होता है, क्योंकि इनकम टैक्स फाइलिंग करना, पैसा कमाना, पैसा भरना, फाइलिंग करना, पैन से ही तो बैंक अकाउंट खुलता है भाई, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। थैंक यू।